आज की वीडियो में हम पांच वर्ड्स देखेंगे और उनकी हम हिंदी मीनिंग जानेंगे। चलिए देखते हैं वो पांच शब्द क्या क्या हैं और उनकी हिंदी मीनिंग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको हमेशा के लिए आज की वीडियो में ही वो वर्ड्स याद हो जाएंगे, है ना। तो बस आप मेरे साथ सुनते रहिए, मुझे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे पहला वर्ड लिखा है फॉरगोइंग, है ना, फॉरगोइंग। फॉरगोइंग से आपने कभी इससे पहले फॉरगेट सुना होगा। फॉरगेट का मतलब तो होता है ना कि छोड़ देना, ना भूल जाना, सॉरी। फॉरगेट मतलब कोई चीज़ भूल गया मैं, है ना। तो वही फॉरगेट्स को से ही थोड़ा सा यहाँ पे मैच कर रहा है। फॉरगोइंग इसका मतलब त्याग देना, उसका मतलब भूल जाना था और यहाँ पे त्याग देना था, त्यागना, ना। तो फॉरगेट से ही बना है फॉरगोइंग, ये शायद आपको याद हो जाएगा। इसलिए फॉरगेट तो आप जानते ही थे पहले से, और उसी की तरह फॉरगोइंग हो गया, है ना, इसका मतलब त्यागना। और दूसरे वर्ड में फॉरगोइंग वाले में उसमें ई लग गया है ना, फॉरगोइंग, है ना। यहाँ पर ई है, ऊपर वाले में क्या था, ई नहीं था, तो इसलिए हमने आखिरी में कोई मात्रा नहीं थी। जैसे ही ई आया तो हम आखिरी में फिर मात्रा लगाएंगे ना, पूर्वगामी ई, ई आया, अंतर हो जाएगा दोनों में। फॉरगोइंग में त्यागना था और दूसरे वाले ई में आया, जैसे ही फॉरगोइंग में ई लगा तो हमें याद रखना है कि आखिरी में ई लगेगा, वैसे ही आपको याद आ जाएगा पूर्वगामी होगा। इसका मतलब होता है फॉरगोइंग का, दूसरे जहाँ ई लगा है, जो चीज़ अभी घटित हो गई हो थोड़ी देर पहले ही, है ना, वो पहले घट चुकी हो, वही होती है पूर्वगामी। ये होता है ई वाला, दो वर्ड हो गए हमारे एक जैसे, ना, ठीक है। उसके बाद है सफाइस। सफाइस जैसे कि आप कभी कॉफ़ी पीते हो, कॉफ़ी पीते पीते कहते हो कि नहीं ये काफ़ी है, है ना, पर्याप्त है मेरे लिए, बहुत है ये कॉफ़ी। तो सफाइस से काफ़ी, सफाइस, फा फा आ रहा है ना दोनों जगह, सफाइस है, ठीक है। तो वही कॉफ़ी, कॉफ़ी मेरे लिए काफ़ी है, तो पर्याप्त हो जाएगी सफाइस का, यहाँ से याद कीजिए, सफाइस काफ़ी, सफाइस काफ़ी, काफ़ी, सफाइस काफ़ी, काफ़ी है, पर्याप्त है। फा फा से ये दोनों वर्ड आपको याद दिलाएंगे कि मैंने याद कराया था आपको सफाइस, काफ़ी, है ना, तो वो काफ़ी काफ़ी है, पर्याप्त है। उसके बाद आता है नोस्ट्रिल। नोस का मतलब तो आपको पता है नाक होता है, और ड्रिल मतलब छेद करना होता है, है ना। तो नोस्ट्रिल नाक में छेद करने, नाक में जो छेद करते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, नथना, नथना होता है ना वहाँ पे, तो उस पूरी एरिया को नथना कहते हैं ना, तो इसको नोस्ट्रिल कहते हैं। आपने एडवर्टाइज में भी देखा होगा, आता रहता है इसका एडवर्टाइज भी नोस्ट्रिल का, तो ये वहाँ से आपको याद हो जाएगा, नोस्ट्रिल मतलब नथना, नोस एंड ट्रिल। इसी तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब मॉन्स्टर, मॉन्स्टर आ रहा है ना बीच में, लेकिन जैसे मॉन्स्टर आता है कभी अपने कार्टून में देखा हो, तो वो अपने कभी मुंह से कभी आग निकालेगा, कभी उछलेगा, तो वो क्या करता है, एक तरह से अपना प्रदर्शन करके दिखाता है ना, तो वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपना प्रदर्शन करता है, वो देखिए इसी का मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हिंदी में, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करना। भले ही अभी आपको ये सुनने में शायद अच्छा लगे या फिर ना लगे, लेकिन मैं गारंटी बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को बंद करके दोबारा से अगर ये वर्ड्स देखेंगे ना, आपको ये शब्द याद हो चुके होंगे, ठीक है। चलिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ फिर से पांच नए वर्ड्स इंग्लिश के और उनकी मीनिंग इसी तरह से सेम टू सेम, जिससे आपको याद हो जाएगी हमेशा के लिए एक ही वीडियो में। थैंक यू।